ब्रह्मा जी की मूर्छा, उनके मुख से रुद्रदेव का प्राकट्य, सब प्राण हुए ब्रह्मा जी के द्वारा आठों नामों से महेश्वर की स्तुति तथा रुद्र की आज्ञा से ब्रह्मा द्वारा सृष्टि रचना। तदनंतर काल महिमा, प्रलय, ब्रह्मांड की स्थिति तथा स्वर्ग आदि का वर्णन करके वायु देवता ने कहा, पहले ब्रह्मा जी ने 5 मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जो उनके ही समान थे। उनके नाम इस प्रकार हैं, सनक, सनंदन, विद्वान सनातन, ऋभु और सनत कुमार। वे सबके सब योगी, वीतराग और ईर्ष्या दोष से रहित थे। इन सबका मन ईश्वर के चिंतन में लगा रहता था, इसलिए उन्होंने सृष्टि रचना की इच्छा नहीं की। सृष्टि से विरत हो सनत आदि महात्मा जब चले गए, जब ब्रह्मा जी ने पुनः सृष्टि की इच्छा से बड़ी भारी तपस्या की। इस प्रकार दीर्घ काल तक तपस्या करने पर जब कोई काम न बना, तब उनके मन में बहुत दुख हुआ। उस दुख से क्रोध प्रकट हुआ। क्रोध से आविष्ट होने पर ब्रह्मा जी के दोनों नेत्रों से आंसू भी बूने गिरने लगी। उन अश्रु बिंदुओं से भूत प्रेत उत्पन्न हुए। अश्रु से उत्पन्न हुए उन सब भूत प्रेतों को देखकर ब्रह्मा जी ने अपनी निंदा की। उस समय क्रोध और मोह के कारण उन्हें तीव्र मूर्छा आ गई। क्रोध से आविष्ट हुए प्रजापति ने मूर्छित होने पर अपने प्राण त्याग दिए। तब प्राणों के स्वामी भगवान नील रोहित रुद्र अनुपम कृपा प्रसाद प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए। उन जगदीश्वर प्रभु ने अब तक 11 रूपों में प्रकट किया। महादेव जी ने अपने उस महामना 11 स्वरूपों में कहा, बच्चों, मैंने लोक पर अनुग्रह करने के लिए तुम लोगों की सृष्टि की है, अतः तुम आलस्य रहित हो संपूर्ण लोक में स्थापना, हित साधन तथा प्रजा सनातन की वृद्धि के लिए प्रयत्न करो। महेश्वर के ऐसा कहने पर वे रोने और चारों ओर दौड़ने लगे। रोने और दौड़ने के कारण उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र हैं वे निश्चय ही प्राण हैं, जो प्राण हैं वे ही महात्मा रुद्र हैं। तत्पश्चात ब्रह्मपुत्र महेश्वर ने दया करके मरे हुए देवता परमेश्वरी ब्रह्मा जी को पुनः प्राण दान दिया। ब्रह्मा जी के शरीर में प्राणों के लौट आने पर रुद्रदेव का मुख प्रसन्नता से खिल उठा। उन विश्वनाथ ने ब्रह्मा जी से यह उत्तम बात कही, उत्तम व्रत का पालन करने वाले जगतगुरु महाभाग, डरो मत, डरो मत, मैंने तुम्हारे प्राणों को नूतन जीवन प्रदान किया है, अतः सुख से उठो। स्वप्न में सुने हुए वाक्य की भांति उस मनोहर वचन को सुनकर ब्रह्मा जी ने प्रफुल्ल कमल के समान सुंदर नेत्रों द्वारा धीरे से भगवान हरि की ओर देखा। उनके प्राण पहले की तरह लौट आए थे, अतः ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर स्नेह युक्त गंभीर वाणी के द्वारा उनसे कहा, प्रभु, आप दर्शन मात्र से मेरे मन को आनंद प्रदान कर रहे हैं, अतः बताइए आप कौन हैं जो संपूर्ण जगत के रूप में स्थित हैं? क्या वे ही भगवान आप 11 रूपों में प्रकट हुए हैं? उनकी यह बात सुनकर देवताओं के स्वामी महेश्वर अपने परम सुखदायक कर कमलों द्वारा ब्रह्मा जी का स्पर्श करते हुए बोले, देव, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ और इस समय तुम्हारा पुत्र होकर प्रकट हुआ हूँ। यह जो 11 रुद्र हैं तुम्हारी सुरक्षा के लिए यहाँ आए हैं, अतः तुम मेरे अनुग्रह से इस तीव्र मूर्छा को त्याग कर जाग उठो और पूर्ववत प्रजा की सृष्टि करो। भगवान शिव के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उन विश्वात्मा ने 8 नामों द्वारा परमेश्वर शिव का स्तवन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान रुद्र, आपका तेज असंख्य सूर्यों के समान अनंत है, आपको नमस्कार है। रस स्वरूप और जलमय विग्रह वाले आप भव देवता को नमस्कार है। नंदी और सुरभि, ये दोनों आपके स्वरूप हैं। आप पृथ्वी रूप धारी सर्वकोष नमस्कार है। स्पर्शमय वायु रूप वाले आपको नमस्कार है। आप ही वसु रूप धारी ईश हैं, आपको नमस्कार है। अत्यंत तेजस्वी अग्नि रूप आप पशुपति को नमस्कार है। शब्द तन मात्रा से युक्त आकाश रूप धारी आप भीम देव को नमस्कार है। उग्र रूप वाले यजमान मूर्ति आपको नमस्कार है। सोम रूप आप अमृत मूर्ति महादेव जी को नमस्कार है। इस प्रकार 8 मूर्ति और 8 नाम वाले आप भगवान शिव को मेरा नमस्कार है।
इस प्रकार विश्वनाथ महादेव जी की स्तुति करके लोक पिता महाब्रह्मा ने प्रणाम पूर्वक उनसे प्रार्थना की। भूत भविष्य और वर्तमान के स्वामी मेरे पुत्र भगवान महेश्वर, आप सृष्टि के लिए मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए जगत प्रभु इस महान कार्य में संलग्न हुए मुझ ब्रह्मा को आप सर्वज्ञ सहायता करें और स्वयं भी प्रजा के सृष्टि करें। ब्रह्मा जी की इस प्रकार प्रार्थना करने पर कल्याणकारी त्रिपुर नाशक रुद्रदेव ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। तदनंतर प्रसन्न हुए महादेव जी का अभिनंदन करके सृष्टि के लिए उनकी आज्ञा पाकर भगवान ब्रह्मा ने अन्यान प्रजाओं की सृष्टि आरंभ की। उन्होंने अपने मन से ही मरीचि, भृगु, अंगिरा, पुलस्य, पुलह, कृतु, अत्रि और वशिष्ठ की सृष्टि की। ये सब ब्रह्मा जी के पुत्र कहे गए हैं। धर्म, संकल्प और रुद्र के साथ इनकी संख्या 12 होती है। ये सब पुराने गृहस्थ हैं। देवगणों सहित इनके 12 दिव्य वंश कहे गए हैं, जो प्रजावान, क्रियावान तथा महर्षियों से अलंकृत हैं। तत्पश्चात जल पर स्थित हुए रुद्र सहित ब्रह्मा जी ने देवताओं, असुरों, पितरों और मनुष्यों की सृष्टि करने का विचार किया। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के लिए समाधिस्थ होकर अपने चित्त को एकाग्र किया। तत्पश्चात मुख से देवताओं को, कोख से पितरों को, कोटि के अगले भाग से असुरों को तथा प्रजनेन्द्रियों से सब मनुष्यों को उत्पन्न किया। उनके गुदा स्थान में राक्षस उत्पन्न हुए, जो सदा भूख से व्याकुल रहते हैं। उनमें तमोगुण और रजोगुण की प्रधानता होती है। वे रात को ही विचरते और बलवान होते हैं। सांप, यक्ष, भूत और गंधर्व ये भी ब्रह्मा जी के अंगों से उत्पन्न हुए हैं। उनके पक्ष भाग से पक्षी हुए, वक्ष स्थल से अजन्म प्राणियों का जन्म हुआ है। मुख से बकरे और पार्श्व भाग से भुजगमों की उत्पत्ति हुई है। दोनों पैरों से घोड़े, हाथी, शरव, नील गाय, भृग, ऊंट, खच्चर नामक भृग तथा पशु जाति के अन्यान प्राणी उत्पन्न हुए हैं। रोमावलियों से औषधियों और फल फूलों का प्राकट्य हुआ है। ब्रह्मा जी के पूर्ववर्ती मुख से गायत्री छंद, ऋग्वेद, त्रिवित्र, तोम, रथंतर, साम तथा अग्नियोष्ठोम की यज्ञ की उत्पत्ति हुई है। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिदुप्त छंद, पंचदश, तोम, रथंतर, साम तथा अग्निस्टोम नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई है। उनके दक्षिण मुख से यजुर्वेद, त्रिस्तुप छंद, पंचदश, तोम, ब्रहससाम और उपकथ नामक यज्ञ की उत्पत्ति हुई है। उन्होंने अपने पश्चिम मुख से सामवेद, जगति छंद, सप्तदश, तोम, वैरूप्य, साम्य और अतिरात्र नामक यज्ञ को प्रकट किया। उनके उत्तरवर्ती मुख से एक वंश, तोम, अथर्ववेद, आयुक्तयाम नामक यम, अनुपछन और वैराज नामक साम्य का प्रादुर्भाव हुआ। उनके अंगों से और भी बहुत छोटे छोटे प्राणी उत्पन्न हुए। उन्होंने यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सराओं के समुदाय, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग और सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य स्थावर जंगम जगत की रचना की। उनमें से जिन्होंने जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में अपनाए थे, पुनः पुनः सृष्टि होने पर उन्होंने अपने उन्हीं कर्मों को अपनाया। उस समय वे अपने पूर्व भावना से भावित होकर हिंसा अहिंसा से युक्त, मृदु कठोर, धर्म अधर्म तथा सत्य और मिथ्या कर्म को अपनाते हैं, क्योंकि पहले ही वासना के अनुकूल कर्म ही उन्हें अच्छे लगते हैं। इस प्रकार विधाता ने स्वयं ही इंद्रियों के विषय, भूत और शरीर आदि में विभिन्नता और व्यवहार की सृष्टि की। उन पितामह ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के नाम, रूप तथा कार्य विस्तार को वेदोक्त वर्णन के अनुसार ही निश्चित किया। ऋषियों के नाम तथा जीविका साधक कर्म भी उन्होंने वेदों के अनुसार ही निर्दिष्ट किए। अपनी रात व्यतीत होने पर अजन्मा ब्रह्मा ने स्वर्चित प्राणियों को वे ही नाम और कर्म दिए जो पूर्व काल में उन्हें प्राप्त थे। जिस प्रकार भिन्न भिन्न ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्ववत रहते हैं, उसी प्रकार युगादि काल में भी उनके पूर्व भाव ही दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा जी की लोक सृष्टि उन्हीं के विभिन्न अंगों से प्रकट हुई है।
महत से लेकर विशेष पर्यंत सब कुछ प्रकृति का विकार है। यह प्राकृत जगत चंद्रमा और सूर्य की प्रभा से उद्दासित, ग्रह और नक्षत्रों से मंडित, नदियों, पर्वतों तथा समुद्रों से अलंकृत और भांति भांति के रमणीय नगरों एवं समृद्धिशाली जनपदों से सुशोभित है। इसी को ब्रह्मा जी का वन या ब्रह्मा वृक्ष कहते हैं। उस ब्रह्मा वन में अव्यक्त एवं सर्वज्ञ ब्रह्मा विचरते हैं। वह सनातन ब्रह्मा वृक्ष अव्यक्त रूपी बीज से प्रकट एवं ईश्वर के अनुग्रह पर स्थित है। बुद्धि इसका तना और बड़ी बड़ी डालियां हैं। ब्रह्मा भीतर के खोखले हैं। महाभूत इसकी सीमा है। विशेष पदार्थ इसके निर्मल पत्ते हैं। धर्म और अधर्म इसके सुंदर फूल हैं। इसमें मुख और दुख रूपी फल लगते हैं। यह संपूर्ण भूतों का जीवन का सहारा है। ब्राह्मण लोग सुदलोक में उनका मस्तक आकाश को नाभि, चंद्रमा और सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और पृथ्वी को उनके पैर बताते हैं। वे आचिंत्य स्वरूप महेश्वर ही सब भूतों के निर्माता हैं। उनके मुख से ब्राह्मण प्रकट हुए हैं। वक्ष स्थल से ऊपरी भाग से क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई है। दोनों जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। इस प्रकार उनके अंगों से ही संपूर्ण वर्णों का प्रादुर्भाव हुआ है।